15 साल की एक लड़की की शादी कर दी जाती है। वो कक्षा 8वीं में पढ़ रही थी। पिता का कहना है कि हम गरीब हैं, जितना हो सका हमने किया, सही लड़का मिल गया तो शादी कर दी। लड़का 10वीं तक पढ़ा है और शहर की एक दुकान में काम करता है। शादी के बाद लड़की की पढ़ाई छूट गई, घर गृहस्थी की जिम्मेदारियाँ उसके कंधे पर लाद दी गईं, फिलहाल वो प्रेग्नेंट है। ये मामला उत्तर प्रदेश के नवाबगंज का है। हम आगे बढ़े उससे पहले एक बात समाज को गांठ बांध लेनी चाहिए कि चाइल्ड मैरिज कानूनन अपराध है। ये हमने बस एक मामला बताया है, ऐसे अनगिनत मामले हैं। ऐसे में सवाल ये आता है कि जब हमारे देश में चाइल्ड मैरिज गैर कानूनी है तो फिर ये सब कैसे हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, माता पिता या सरकार? अदालत ने चाइल्ड मैरिज को लेकर अब तक क्या क्या कहा है? वो कौन सा कानून है जो इसको अपराध बनाता है? अगर चाइल्ड मैरिज अपराध है तो क्या बचपन में हुई शादी रद्द हो सकती है? आज सब पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है, आप देख रहे हैं india.com का स्पेशल शो ऑर्डर ऑर्डर। आज हमारा देश पहले की तुलना में बहुत आगे बढ़ चुका है। पढ़े लिखे लोगों की संख्या काफी बढ़ी है। इसके बावजूद देश बाल विवाह की परंपरा से मुक्त नहीं हो पाया है। आखिर क्या वजह है कि हमें आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए मगर आज भी बाल विवाह जैसी कुप्रथा का अंत नहीं हो पाया है? बाल विवाह के खिलाफ सख्त कानून है फिर भी कुछ राज्यों में कम उम्र में बच्चों की शादी कर दी जा रही है। हमारे देश के कानून में शादी की मिनिमम एज तय है। लड़कियों की 18 साल की उम्र से पहले या लड़कों की 21 साल की उम्र से पहले शादी कर देना बाल विवाह, अंग्रेजी में कहें तो चाइल्ड मैरिज कहा जाता है। चाइल्ड मैरिज कानूनन अपराध है। लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल की हालिया रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा बाल विवाह के मामले लड़कियों के साथ देखने को मिलते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चाइल्ड मैरिज की सबसे बड़ी वजह गरीबी है। माता पिता बच्चे की पढ़ाई का खर्च, दहेज और शादी के खर्च के डर से जल्दी शादी कर देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह शिक्षा का अभाव है, क्योंकि माता पिता के कम पढ़े लिखे होने की वजह से वो ये नहीं समझ पाते कि इससे उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। कई जगहों पर तो बाल विवाह इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि ये उनकी सदियों से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है। जब हमने सुप्रीम कोर्ट के वकील रुद्र विक्रम सिंह से पूछा कि चाइल्ड मैरिज को लेकर हमारे देश में क्या कानून कायदे हैं, इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारत में बाल विवाह रोकने के लिए आज़ादी के पहले से कानून बने हुए हैं। तमाम सरकारें समय समय पर बाल विवाह रोकने के लिए अभियान चलाती हैं, योजनाएं भी लेकर आई हैं। सबसे पहले 1929 में बाल विवाह के खिलाफ कानून लाया गया था। तब लड़कों के लिए शादी की उम्र कम से कम 18 साल और लड़कियों की 14 साल थी। 1978 में संशोधन के बाद लड़कियों की 18 और लड़कों की उम्र 21 कर दी गई। आगे कहा, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत दोषी पाए जाने पर 2 साल की जेल और 1,00,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई लड़का या लड़की बाल विवाह का शिकार बना है तो वो इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं और अदालत ऐसी शादियों को शून्य घोषित कर सकता है। महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों में 13 से 15 साल की उम्र में लड़की की शादी कर दी जाती है, जिसके बाद वो कम उम्र में प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से पैदा होने वाली जटिलताओं के चलते कई बार बच्चे और माँ दोनों की मौत हो जाती है। इस मामले में कोर्ट के आदेश से काम नहीं हो रहा है। ऐसे में ज़रूरत है आदिवासी इलाकों में विवाह की उम्र को लेकर जागरूकता फैलाने की, जिससे लड़कियों को बचाया जा सके। इसलिए हम चाहते हैं राज्य सरकार अपने जिले के सभी अधिकारियों से सर्वे कराए ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि किन लड़कियों की शादी 18 से कम उम्र में हुई है। यह कहना है बॉम्बे हाई कोर्ट का। दरअसल 2022 में महाराष्ट्र के मेलघाट समेत राज्य के आदिवासी इलाकों में बाल विवाह की वजह से कई महिलाओं और बच्चों की मौत का मामला हाई कोर्ट के सामने आया था। इसके अलावा महाराष्ट्र में बाल विवाह को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में PIL भी दाखिल की जा चुकी है। याचिका में बाल विवाह प्रतिबंधित कानून को सख्ती से लागू किए जाने के मुद्दे को भी उठाया गया है। अब उम्मीद किससे करना है? जवाब है प्रशासन से, क्योंकि अगर किसी चीज़ का अभाव है तो वो है सही तरीके से कानून को क्रियान्वित करने का। भारत सरकार ने भी संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में साल 2030 तक बाल विवाह को खत्म करने की चुनौती स्वीकार की है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए india.com। शुक्रिया।